आज बड़ी दुखद घटना सुनाने जा रहा हूँ मणिपुर के, जो कि दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको किस तरीका से गांव में घुमाया गया और उसे परेड कराया गया। हालांकि इस घटना को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी निंदा जताए हैं, लेकिन उनको भी मैं कुछ चेतावनी देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपको अभी फिलहाल कुर्सी से इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि आप अब कुर्सी पर बैठने लायक रहे नहीं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आप निंदा जताते हैं, एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज इसी के साथ साथ देश के कुछ पत्रकारों लोग को भी मैं चुनौती देना चाहता हूं कि बताइए कि आप लोग इतना दिन से कहां थे जो कि हमारे देश के बिटिया के साथ इस तरह से अन्याय हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग आवाज़ उठाने से भी इनकार हैं। दो महीना लगभग हो गए हैं, लेकिन इनकी अब ट्विटर पर कंट्रोवर्सी चलने के बाद हमारे देश के बिटिया के आवाज़ अब मीडिया पर आई है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मीडिया है जो इसको बताया जा रहा है मोदी मीडिया एवं गोदी मीडिया, जो अभी भी इसके चलाने से इनकार कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि इनकी आवाज़ें उठाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो क्यों उठाए। हालांकि कुछ मीडिया मोदी के दबाव में चल रहे हैं, इसीलिए अभी तक ये कॉन्टेंट चलाने से इनकार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सत्ता आपसे चल नहीं पाती है तो सत्ता से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस देश में आप ही को कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे। हालांकि इस चीज़ को ले देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्शन लेने के लिए मणिपुर के सरकार को कहे हैं, लेकिन मैं इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के टारगेट करता हूँ क्योंकि सेंट्रल लेवल पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं जो राज्य लेवल पर लेने के लिए बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, इस तरीका से लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए और अपने हिसाब से ही अपना एक्शन लीजिए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते रहिए जन कल्याण न्यूज़ नेटवर्क, निरंजन कुमार के साथ।